प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मीय आदर आभार अभिनंदन नमस्कार। गुलिंद्र ज्ञान में आप सभी का आत्मीय अभिनंदन है। आज हम अपने दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी भाइयों के लिए निराला तथा पंत, छायावाद के दो स्तंभ निराला तथा पंत की अपना अलग अलग व्यक्तित्व जो है उनको यहाँ पर चर्चा करेंगे। मतलब कि पंत का अपना व्यक्तित्व और निराला का अपना व्यक्तित्व जो उनकी कविताओं में झलकता है या देखने को मिलता है, तो उन मुद्दों को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर चंदा देवी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग में प्राध्यापक रह चुकी हैं, उनकी पुस्तकों से हम चर्चा करेंगे। तो मैं डॉक्टर चंदा देवी की कुछ आपको जानकारी दे दूँ कि जौनपुर में इनका जन्म हुआ था 1966 में। पिता जो है रेलवे में होने के कारण इंटरमीडिएट तक की शिक्षा अलग अलग स्थानों पर इन्होंने किया। एमए हिंदी से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया, डीफिल जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अनुदान विभाग अनुदान आयोग द्वारा जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड लेक्चरशिप में उत्तीर्ण हुई और सेवाएं चकबंदी अधिकारी के पद पर दो वर्ष तक, मतलब 1993 से 95 तक लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्राध्यापक पद पर चयनित हुई 1995 में। ठीक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक 1996 में बनी। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं तुरंत अब निराला जी के अपना जो व्यक्तित्व है वहाँ पर, मतलब निराला जी का महाप्राण निराला का अपना व्यक्तित्व, महाप्राण निराला का अपना व्यक्तित्व। निराला का व्यक्तित्व उनके काव्य की मूल आंतरिक प्रेरणा कहा जा सकता है और व्यक्तित्व का सहज संबंध व्यक्ति तथा उसके पारिवारिक एवं सामाजिक परिवेश से होने के कारण इसका समावेश सांस्कृतिक अथवा सामाजिक प्रभाव से अलग जीवन की प्रेरणाओं के अंतर्गत किया जा सकता है। अपनी कृतियों में निराला ने प्रसंगानुकूल अपने विषयों में जो सूचनाएं दी है उनमें से उनके व्यक्तित्व की रूपरेखा का ज्ञान होता है। कुल्ली भाट में उन्होंने स्वीकार किया है कि वे बचपन से आज़ादी पसंद थे, ठीक, वह दबाव नहीं सहन करते थे, उनकी वजह ना मालूम हो शुरू से विरोध से सीधे चले थे। 16-17 वर्ष की उम्र में ही भाग्य के विप्राय और जीव नहीं जीवन के पीछे भागे ने, ठीक, अतः उनके रहस्य से अनभिज्ञ न रहने का उल्लेख भी उन्होंने किया है। इसी कृति में आगे चलकर उन्होंने अपने को ईश्वर, सौंदर्य, वैभव और विलास का कवि कहा है। फिर क्रांतिकारी स्कूल की बीवी में निराला ने अपने प्रकृति की शोभा देखते रहने और कवि हो जाने और तभी परीक्षा में असफल हो जाने के कारण निरंतर प्रश्नों की माला सामने रहने का उल्लेख किया है। कीतिका की भूमिका में बचपन में निष्काम भाव से सौंदर्य दर्शन की प्रेरणा जो क्रमशः संस्कार रूप से दृढ़ हुई के साथ घर के अवधीय कनौजिया और बाहर संसार द्वारा निर्मित विरोध मूलक संस्कारों का उल्लेख निराला ने किया है। गीत और कला के विवेचन में निराला ने स्वीकार किया है कि उनके जीवन में सभी रसों के स्रोत माता पिता की दी गई वागीभूति वाणी से फूटकर निकले हैं। यहीं उन्होंने भाव, भाषा और छंद की उल्टी गंगा बहाने की बात लिखकर इसे प्राणों के अनुकूल कहा है। परिमल में मुक्त छंदों को वन्य प्रकृति और प्रलाप की तरह कहने में उनकी प्रकृति स्वच्छंद का परिचय मिलता है। स्वामी शारदानंद पर लिखते हुए निराला ने पंतों और ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति के बचपन के आस्तिक संस्कारों
और अपनी दार्शनिक प्रवृत्ति और उनके साथ बनने वाली विरोधी शक्ति का उल्लेख किया है। भक्ति और भगवान भी उनकी इन्हीं प्रवृत्तियों का प्रकाश डालने वाली कथा है, जिससे निराला की या निराला भी उनकी इन्हीं प्रवृत्तियों का प्रकाश डालने, तो निराला की महावीर और तुलसी के प्रति, निराला की महावीर और तुलसी के प्रति श्रद्धा और भक्ति, तथा श्री कृष्ण मतलब श्री राम कृष्ण मिशन, श्री रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों के प्रति विनती भाव का परिचय प्राप्त होता है। निराला के संबंध में स्वर्गीय पत्नी से प्रेरणा प्रेरणा स्मरणीय है। निराला मतलब गीतिका, गीतिका इसी सुदीक्षा स्वर्गीय प्रिया प्रकृति को समर्पित है। ठीक, गीतिका मतलब अपने पत्नी को लिखे हुए हैं, अपने पत्नी को संबोधन करके। पत्नी के हिंदी ज्ञान और स्वर से स्वयं लज्जित होकर हिंदी की शिक्षा के संकल्प का उल्लेख और समर्पण उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? जिसकी मैत्री की दृष्टि क्षण मात्र में मेरी स्तब्धता को देखकर मुस्कुरा देती थी, जिसने अंत में अदृश्य होकर मुझसे मेरी पूर्ण मरीड़िता की तरह मिलकर मेरे चढ़ हाथ को अपने चेतन हाथ में उठाकर दिव्य श्रृंगार की पूर्ति की। काव्य साहित्य लेख में भी निराला ने पत्नी की दिव्यता और उनके असमय दिव्य धाम वास के कारण अपने जीवन के सुखमय न होने का उल्लेख किया है। स्वर्गीय प्रिया की मूर्ति एवं उसके दिव्य भाव रूप को कभी आजीवन विस्मृत नहीं कर सकते, यह उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। मुझे विश्व का सुख श्री यदि केवल पास तुम रहो, और बेला की एक रचना में भी इस सत्य का प्रमाण प्राप्त होता है। ठीक, निराला के जीवन में अनेक मतलब निराला के जीवन में उनके एक कविता संकलन की भूमिका रूप में लिखे गए हैं। ठीक, निबंध उद्दात अनुदात, निबंध उद्दात अनुदात, ठीक मतलब समझ रहे हैं ना, उद्दात अनुदात दो संधि भी और स्वर भी होता है ना। डॉक्टर आमिला शर्मा ने निराला के मृत्यु की विभीषिका से युक्त वातावरण में साहित्यिक जीवन प्रारंभ करने का उल्लेख कर यह विचार व्यक्त किया है कि अपने भौतिक जीवन के प्रारंभ में ही वे मात्र स्नेह से वंचित हो गए थे। मानो उसी अभाव की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने गीतों में इष्ट देवी के रूप में बार बार अपनी दिव्यवंगता जननी को पुकारा है। प्रकृति के सौंदर्य का प्रतीक बनकर यदि प्रिया आती है तो मृत्युंजय ही शक्ति के रूप में उनकी रचना राम की शक्ति पूजा में स्वयं राम ने की है, स्वयं राम ने की है। उनकी स्वर्गीय या जननी अवतरित होती है। इनके इस विचार से असहमति दुष्कर है कि अप्रत्यक्ष रूप से इन दो स्वर्गीय देवी की स्मृति ने निराला को शक्ति और सौंदर्य के अद्भुत समन्वय का कवि बना दिया। काव्य में उद्दात्त तत्व के विवेचन में लोंजाइसन ने मन को ऊर्जा की और अनुभूति का प्रधान अंतरत्व मानकर औदात्त्य को महान आत्मा की प्रति ध्वनि कहा है, और महान शब्दों का उद्गम गंभीर और गहन विचारों से संभव माना है। ठीक, और दात्य का जन्मजात दूसरा अवयव तिरड़ा प्रसूत या आवेग भी इसी से संबंध है। ठीक, लोंजाइन्स की उद्दात के आध्यात्मिक पक्ष की चर्चा के सदृश इलाचंद जोशी भी महान लेखकों के व्यक्तित्व में मूल स्रोत के आधार के लिए उसका आध्यात्मिक स्तर स्मरणीय मानते हैं। डॉक्टर रामबिलास शर्मा ने निराला के असाधारण व्यक्तित्व जिसे रूप देने में उनके पारिवारिक परिवेश का बहुत बड़ा हाथ था, उसकी जो मूल विशेषता बताई है उसमें काव्य के इन गुणों को हम समाहित पाते हैं। वे लिखते हैं, वे कहते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर रामबिलास शर्मा, वह जितने
कल्पनाशील थे उतने ही मेधावी, और इन दोनों स्तरों पर उनकी कल्पना और मेधा को प्रेरित करने वाली थी उनकी अपूर्व ऊर्जा। अपूर्व ऊर्जा, कल्पना, मेधा और ऊर्जा में सहज जन्मजात उनके व्यक्तित्व का मूलाधार थी। ठीक, निराला के पारिवारिक जीवन एवं सामाजिक स्थिति को देखने से यह प्रारंभ में ही स्पष्ट हो जाता है कि जीने के लिए उन्हें निरंतर संघर्ष करना पड़ा, जिसे स्वामी विवेकानंद ने जीवन का चिन्ह कहा है। स्वामी विवेकानंद ने जीवन का चिन्ह कहा है। विकास प्रदान करने वाले इस संघर्ष ने निराला के व्यक्तित्व का अभूतपूर्व विकास किया है। कवि की प्रेरणा के पीछे उसकी सामाजिक अनुभूति तथा सामाजिक परिस्थिति भी रही थी है। ठीक, कवि की प्रेरणा के पीछे उसकी सामाजिक अनुभूति और सामाजिक परिस्थिति भी रहती है। यह सच है कि निराला के व्यक्तिगत सामाजिक स्थिति बंगाल में हिंदी की सांस्कृतिक स्थिति से मेल खा गई। इसका उल्लेख करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है कि निराला और हिंदी दोनों महान है, मतलब निराला और हिंदी दोनों महान हैं, दोनों उपेक्षित हैं। निराला को अपनी महत्ता सिद्ध करनी है, हिंदी को समृद्ध बनाकर अपनी साधना से उसे बंगाल के समक्ष संभव हो तो उससे श्रेष्ठ बनाकर हिंदी जातीयता की भावना निराला के जीवन में शक्तिशाली प्रेरणा बनकर आई। इस प्रकार महानता के साथ हीनता की भावना की स्थिति निरंतर हम निराला में पाते हैं। ठीक, निराला के व्यक्तित्व परिवेश एवं साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उनमें प्रायः दो भावनाएं सामान्य रूप से प्राप्त होती है। एक तो यह कि भाग्य ने उनके साथ अन्याय किया है, दूसरी इससे संबंध भाग्य अंक खंडित करने की उनकी उत्कृष्ट अभिलाषा, मतलब उत्कृष्ट अभिलाषा। ठीक, निराला की यह जितेंद्र भावना जीवन की संघर्षमय परिस्थितियों से सीधी उत्पन्न हुई है, जिसका श्रेष्ठतम दिग्दर्शन उनकी राम की शक्ति पूजा है। यहाँ राम के अश्रांत और युद्ध में दुराक्रांत रहने वाले मन के स्वयं को असमर्थ मानकर हारने और पराजय की पीड़ा महावीर की शक्ति द्वारा पराजय के भाव का विनाश एवं नई शक्ति के प्रादुर्भाव वश अर्धमरत रावण को महाशक्ति का सहयोग प्राप्त होने के से उत्पन्न असमर्थ और पुनः शक्ति पूजा में रत राम की सिद्धि के क्षण विघ्न के कारण साधना के अभाव से पूरित विरोध पाने वाले जीवन को धिक्कारने और अंततः अभीष्ट प्राप्ति में निराला ने अपने जीवन सत्य को अभिव्यक्त किया है। अपनी साहित्यिक महानता के प्रति तो निराला पूर्णतः आश्वस्त थे और अपनी सृजन शक्ति पर उन्हें अगाध आस्था थी। इसलिए अपनी साहित्यिक प्रतिष्ठा का आख्यान उन्होंने स्पष्ट शब्दों में किया है। दूसरी ओर निराला इस सत्य से भी अपरिचित नहीं थे कि समाज जो उनकी प्रतिष्ठा के अभाव के मूल में धनाभाव की ही स्थिति ही है। निराला को यह भी ज्ञान था कि समाज में प्रतिष्ठा तो उन्हें नहीं मिली, परंतु साहित्य की तरह समाज में भी उनकी तारीफ दूर दूर तक फैली थी, जिनका आधार समाज में उनका विद्रोही आचरण था। ठीक, उनकी सरोजी स्मृति, वन बेला, देवी, कुल्ली भाट रचनाओं से यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक अभाव निराला को अपनी नहीं परिवार की वजह से खलते थे, और परिवार तथा समाज की स्थिति की उनके मूल व्यक्तित्व में विद्रोहात्मक रूप में अवस्थित है। वन बेला में निराला के जीवन के व्यर्थ होने और रण में हारने का उल्लेख कर यथासूत्र अपने राजपूत अथवा लच्छपति कुमार होने की संभावना पर विचार किया है। वहाँ भी आर्थिक पद का अनर्थ देख स्वार्थ समर रहना हारने की ही भावना का परिचय मिलता है।
अंततः कवि वेदांत दर्शन के आधार पर अपनी इस पराजय की प्रणित विजय की महत्व उपलब्धि में करता है। वास्तव में यह रचना इस सत्य का स्पष्ट आख्यान है कि अर्थ का अभाव कैसे उनके साहित्य की मूल प्रेरक शक्ति बनता है और कैसे वह परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। गद्य रचना में अर्थाभाव की चर्चा की दृष्टि से देवी और कुल्ली भाट रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक, मतलब गरीबी जो उनकी अर्थ की कमी, मतलब अर्थ अभाव जो था, उनकी गद्य रचना देवी और कुल्ली भाट में विशेष रूप से देखने को निराला जी को मिलता है। ठीक, परिमल में निराला एक और तो प्रकृति सौंदर्य की प्रकृति और सौंदर्य की कांति के त्रष्टा और हैं, त्रष्टा हैं, तो दूसरी ओर वह क्रांति एवं विद्रोही भी हैं। यह क्रांति भावनात्मक या वैचारिक क्रांति नहीं है, अभी तो शैलीगत छंदगत क्रांति भी है। खेवा, निवेदन, शेष, पतनोन्मुख, वित्ति, प्रार्थना, अध्यात्म, फल, कर, हमें जाना है जग के पार, हमें जाना है जग के पार, पारस माया, तुम और मैं आदि चिंतन प्रधान आध्यात्मिक एवं अनुभूतिमय कविताएं हैं। खेवा में कवि इस अपार भाव परावार में डगमगाती हुई अपनी जीवन नौका को संभालने के लिए खेवनर हार प्रभु से प्रार्थना करता है। डोलती नाव प्रखर है धार, संभालो जीवन खेवन हार, संभालो जीवन खेवन हार। ठीक, अनामिका की रचना परिमल की रचनाओं की अपेक्षा कला भाव और शैली की दृष्टि से प्रौढ़ है। अनामिका की प्रेसी प्रेम के प्रति रेखा प्याला मरण दृश्य अपराजिता प्राप्ति नारायण मिले हंस अंत में नारायण मिले हंस अंत में आदि रचनाएं रहस्यात्मक कविताएं हैं जो छायावाद की एक मूल प्रवृत्ति है। ठीक, इसमें कवि ने उस अगोचर सत्ता के प्रति अपनी जिज्ञासा एवं कुतूहल की भावनाओं की अभिव्यक्त की है, जिसकी प्रेरणा से ग्रह नक्षत्र पृथ्वी आदि गतिशील हैं तथा जो समस्त विश्व को व्यथा से व्याकुल किए हुए हैं। इस प्रकार कहीं कहीं निराला की अद्वैतवादी विचारधारा का प्रपुष्टन भी इन कविताओं में देखने ही बनता है तथा प्रेयसी कवि जैसे मतलब जैसे प्रेयसी कविता में कवि ने बताया है कि मूलतः आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन माया के पास में आबद्ध होकर वह कुलुषित हो जाता है। क्या कहते हैं, कुलुषित हो जाती है। क्या कहते हैं आत्मा के विषय में, बिता हुआ काल देह ज्वाला बढ़ने लगी, नंदन कुंदन कुंजन की इति को ज्यों मिला मरु, उतर कर पर्वत से निर्जरी भूमि पर पंकिल हुई सलील देह कुलसित हुआ। सेया प्रारंभ में स्वामी अखंडानंद जी और विवेकानंद जी द्वारा की गई सेवा समाज सेवा का चित्रण है। दान कविता में कवि ने उन धार्मिकों पर व्यंग किया है जो धर्म का ठोंग रचते हैं, धर्म के नाम पर बंदरों को पुए खिलाते हैं, किंतु भूखे मानव के प्रति उनकी करुणा तनिक भी उद्वेलित नहीं होती है। मेरे पड़ोस के वे सज्जन करते प्रतिदिन सरिता मज्जन, झोली में पुए निकाल लिए बढ़ते कपियों के हाथ दिए, देखा भी नहीं उधर फिर कर जिस ओर रहा वह बिच्छू, इतर चिल्लाया किया दूर मानो, बोल मैं धन्य श्रेष्ठ मानो। संतप्त अनुताप सच है। आदि कविताओं में कवि ने व्यक्ति अवसाद नए राश्य आदि का चित्रण किया है। कवि ने ठूंठ के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की है, संभवतः अपने संघर्षों से जर्जित नीरस जीवन के साथ पाकर। सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा इस संग्रह के दो महत्वपूर्ण कविताएं। सरोज स्मृति और शोक गीत है। सरोज स्मृति एक शोक गीत है। क्या है, शोक गीत है, जिसे निराला ने अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में लिखा है। इसमें सरोज के बाल्यकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत की कतिपय मुख्य घटनाएं वर्णित है। कविता का केंद्र बिंदु दुख और विषाद है।
दुख और विषाद है। इस रचना में स्नेहशील एवं कोमल हृदय पिता का रूप तो सामने आता है। इस रचना में स्नेहशील एवं कोमल हृदय का पिता का रूप तो सामने आता है, साथ ही निराला का विद्रोही व्यक्तित्व भी प्रस्फुटित हुआ है। राम की शक्ति पूजा के माध्यम से निराला ने अपने जीवन की अनुभूति निराश पराजय को नाटकीय रूप में प्रस्तुतिकरण किया है, मतलब नाटकीय रूप दिया है। राम की रावण पर विजय बताकर कवि ने सात्विक प्रवृत्ति की तामसिक प्रवृत्ति पर विजय बताया है इसमें कवि का आशावादी जीवन दर्शन स्पष्ट है। मतलब इनके अतिरिक्त अनामिका की कतिपय कविताएं विवेकानंद एवं रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं का अनुवाद मात्र है। गाता हूँ गीत मैं तुम्हें सुनाने को, नाचे उस पर श्यामा, श्यामा काली माई को बोला, काली माता, ठीक। सखा के प्रति क्रमशः विवेकानंद जी की गाई गीत सुनाते तुम आए, नाचुक ताहाते श्यामा, सखार प्रति का अनुवाद है। कहाँ है देश जेठ तट पर, आदि कविता है रविन्द्रनाथ ठाकुर की। निर्देश यात्रा वैशाख विजयनी कविताओं का अनुदित रूप है। गीतिका में गीतों में संगीत तथा काव्य का अपूर्व समन्वय मिलता है। निराला के इन गीतों पर पश्चात संगीत का प्रभाव बंगाल के विशेष रूप से पड़ा है, जिससे निराला ने अपने जीवन का अधिकांश समय वहाँ व्यतीत करने के कारण संस्कार रूप में ग्रहण किया था। गीतिका के कौन तम के पार जग का एक देख तार पास हीरे की खान, मैं न रहूंगी जब सुना होगा जग, प्यार करती हूँ अली इसलिए मुझे भी करते हैं वे प्यार, तुम्हें गाती हो गान व्यर्थ में मैं पाता हूँ सम्मान, तुम्ही गाती हो गान व्यर्थ में पाता हूँ सम्मान, कौन तुम शुभ किरण वसना वह रूप जाना उर्मे, कब से मैं पथ देख रही प्रिय मौन रही हार, कैसी बजीज बीन हुआ प्राप्त प्रीतम, तुम जाओगे चले कितनी बार पुकारा, देख दिव्य छवि लोचन हारे, मेरे प्राणों में आओ रहा तेरा ध्यान, आदि अनेक रहस्यात्मक कविताएं हैं। इन कविताओं में कवि ने अज्ञात सत्ता के प्रति अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है। निराला के गीतों में परोच्च सत्ता का रहस्यात्मक अनुभूति का चित्रण मिलता है। उनके इस प्रकार के गीतों में अलौकिक की अभिव्यक्ति लौकिक का आधार लेकर हुई है। निराला जी के काव्य का मेरुदंड ही रहस्यवाद एवं आध्यात्मिक है। उनके अधिकांश पदों में मानवीय जीवन के ही चित्रण हैं, किंतु वे सब रहस्यानुभूति से अनुरंजित हैं। इस संग्रह की कुछ कविताएं भक्तिपरक तथा कुछ में कवि के वैयक्तिक अनुभव और मानसिक स्थिति का चित्रण है। अरिमा के अधिकांश गीतों में वैयक्तिक निराशा अवसाद का चित्रण तथा परम सत्ता के प्रति भाव निवेदन है। गीतिका में आध्यात्मिक तथा भक्तिपरक गीतों की प्रधानता है। भक्ति की यह धारा आगे चलकर अर्चना आराधना गीत गुंज में प्रवाहित हुई। जनजीवन के सुंदर उन चरणों दलित जन पर करो करुणा भाव जो छलके पदों पर, धूली में तुम मुझे भर दो मैं बैठा था पथ पर, तुम्ही हो शक्ति, आदि गीत इसी श्रेणी के हैं। इसमें निराला का मानवतावाद झलकता दिखाई देता है। प्रभु से दलित जनों पर करुणा करने की प्रार्थना करता हुआ कवि कहता है, दलित जन पर करो करुणा, दीनता पर
उतर आए प्रभु तुम्हारी शक्ति अरुणा देख वैभवनाथ हो मत नत सिर समुद्दत समुद्दत मन सदा हो स्थिर पार कर जीवन निरंतर रहे बहती भक्ति वरुणा। ठीक, तो महात्मा बुद्ध के प्रति में कवि ने महात्मा बुद्ध की प्रशस्ति करते हुए प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की है। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज कविता एक आख्यान गीत है। कवि ने इसमें स्वामी परमानंद जी और उनके आश्रम द्वारा की गई समाज सेवाओं का वर्णन किया गया। इसमें रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित है। बेला की कविताओं में विषय की दृष्टि से विविधता है। इसमें आध्यात्मिक श्रृंगारिक प्राकृतिक सामाजिक राजनीतिक देश प्रेम आदि विषयों से संबंधित कविताएं ही मुख्य रूप से मिलती है। इस संग्रह की रहस्यात्मक कविताएँ गीत की परम्परा की है, परंतु कई कविताओं में दुरूहता तथा स्पष्टता अस्पष्टता आ गई है। निराला ने समाज से संपृक्त रहकर काव्य रचना की है। उनका कवि समाज की अवहेलना नहीं कर पाया है। बेला की भीख मांगता कविता में एक भिखारी को देखकर विभिन्न वर्ग के लोगों में जो भावनाएं उद्भूत होती है, कवि ने उनका बड़ा सजीव चित्रण किया है। साथ ही समाज की हीन मनोवृत्ति पर एक सांकेतिक प्रहार भी किया है। बेला की कुछ कविताओं पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट है। देखिए, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ गीत में आप देख सकते हैं कविता में। ठीक, कविता में निराला मार्क्सवादियों के भाति क्रांति के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे पूंजी के समान वितरण के पक्षधर थे। एक गीत में वे कहते हैं, क्या कहते हैं, देश को मिल जाए जो पूंजी तुम्हारी मिल में है, देश को मिल जाए जो पूंजी तुम्हारी मिल में है। ठीक, इसके अतिरिक्त बेला में कुछ ऐसे संगारिक गीत में संगलित है जिसमें अलौकिक प्रेम की व्यंजना भी हुई है। इसमें सूफियाना प्रेम का फूट दृष्टिगत होता है। बेला की कविताओं में भाव वैविध्य है, भाव गांभीर्य का नितांत अभाव है। कहीं कहीं भावों में अस्पष्टता भी आ गई है, जिसका संबंध कुछ लोग कवि के मानसिक विपक्ष से भी जोड़ते हैं। कलात्मक की दृष्टि से इन कविताओं में उत्कर्ष नहीं है। वस्तु इस संग्रह को भाव भाषा एवं शैली के क्षेत्र में एक नवीन प्रयोग कह सकते हैं। किसे, बेला को। ठीक, बेला संग्रह को भाव भाषा एवं शैली के क्षेत्र में एक नवीन प्रयोग कह सकते हैं। नए पत्ते निराला की प्रगतिवादी तथा प्रयोगवादी रचनाओं का संग्रह है। इस संग्रह में सामाजिक और राजनीतिक व्यंग प्रधान कविताओं की अधिकता है। इसमें भी उनकी अंतर्प्रेरणा अथवा आनंद की कामना के भाव अवश्य दिखाई देते हैं, परंतु प्रारंभिक अथवा शेषकालीन गीतों को देखते हुए ये कृतियों इस दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। नए पत्ते पुस्तक में देवी सरस्वती की अकेली ऐसी विशिष्ट रचना है जो निराला के आत्मोल्लास की परिचायक है। ग्रामीण जीवन को उसकी पूर्णता में अंकित करने वाली यह रचना निराला के व्यक्तित्व में विद्यमान ग्रामीण जीवन के एक रस हो जाने की मूलभूत विशेषता का आख्यान भी है। रामकृष्ण देव के प्रति में स्वामी रामकृष्ण देव की प्रशस्ति है। रामकृष्ण देव जी से निराला व्यक्तिगत रूप से परिचित एवं प्रभावित थे। इसके अतिरिक्त काली माता 4 जुलाई के प्रति कविताएं विवेकानंद जी की कविताओं से अनुदित है। अर्चना के गीत सन 1950 में लिखे गए थे। विषय की दृष्टि से इन गीतों में भक्ति प्रक गीतों का बहुलता के साथ साथ जनजीवन और युग जीवन की तस्वीर भी मिलेगी। इतना ही नहीं, प्रकृति के गीत राष्ट्रीय भावना जन जागरण लोक गीतों की भी हल्की सी अनुदित कवि को हुई है। अर्चना को भी सामाजिकता से अलग करके नहीं देखा जा सकता है।
गीतिका में गीतों के जैसी नवीनता और समानता मिलती है, वैसे ही समानता अर्चना के गीतों में उदाहरण की दृष्टि से मिलेगी। लगता है जैसे इन गीतों के स्वर, ताल, लय सभी से अंग्रेजी का ऋण स्वीकार है। गीतिका के गीतों में जो भक्ति का स्वर फूटा था, वही अर्चना के बेला में कुछ अधिक गंभीरता से सुनाई पड़ता है। अब तक की अपनी यात्रा में थका हारा कवि विश्वभरण का आश्रय टटोलता हुआ कहता है, पतित कोसीत हाथ गह कर जो चलाती है सुपथ पर, उन्हीं का तू मन नन कर पकड़ निशस विश्व धरणी। परिस्थितियों से जूझता हुआ कवि जब थक जाता है तो उसकी वाणी अत्यधिक दैन्य होती है। वह संसार सागर से अधिक ग्रस्त त्रस्त हो बार बार यह पुकार लगता है, प्रतीत होता है, भव सागर से पार करो, हे भव सागर से पार करो, सागर से उत्तीर्ण तरी हो, पार करो यह सागर, पार करो यह सागर, तरड़ी तार दो कठिन हो संसार। ऐसी कुछ पंक्तियां हैं ठीक, जिसमें दीन भक्त का स्वर है। अर्चना और असाधना आराधना, अर्चना और आराधना में भक्ति का जो स्वर है, उसका कारण यह हो सकता है कि कवि अद्वैत दर्शन का ब्रह्म ज्ञान सहज संवेद्य बनाने के लिए यह सब कर रहा है। अर्चना के गीतों का मूल स्वर भक्ति प्रक और प्रार्थना का प्रक है, प्रार्थना प्रक है, भक्ति प्रक तथा प्रार्थना प्रक अर्चना गीत है। इन गीतों में हल्की सी विषाद की छाया भी विद्यमान है। अर्चना के 59वें गीत में तो वैसे निषाद से भरा निराला का स्वर हाहाकार कर उठा है। देखिए, चोट खाकर राह चलते, होश के भी होश टूटते, हाथ जो पार थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। अर्चना में उन दार्शनिक गीतों की संख्या नहीं के बराबर है जिसमें अद्वैत दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है। हाँ, जीवन के परिप्रेक्ष्य में कहीं कहीं दर्शन का पुट है। अर्चना के 70वें गीत में कवि लघु तटनी के तट पर खड़ा किसी विवस्मय का विकास, सलील अनिल उर्मिल विलास, राग राग से जीवन डगमग, सुख के उठते हैं पुलकित डग, रह जाती है अपल पुतलियां पुतलियां। आराधना अर्चना की एक विकसित धारा है, भाव और भाषा की वहीं विषय और शैली में कोई नवीनता नहीं है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, गीतिका की भांति इन संग्रहों में अप्रीतम भाव विन्यास चाहे न मिले, पर इनमें भी संगीत, काव्य और सामाजिक चेतना का कुछ ऐसा विनियोग हुआ है कि इन गीतों मतलब इन संग्रहों के कुछ गीतों का अस्थाई महत्व है, अस्थाई महत्व है। अरिमा और अर्चना की भांति और वही अवसाद आराधना और गीत गुंज में इस प्रकार आया है, देखता रहता है अब जीवन पतझड़ का जैसा वन उपवन, डालियां बहुत सी सूख गई उनकी न पत्रता हुई नहीं, भग्न तन रुग्ण मन जीवन विषण वन, छिड़ छड़ छड़ देह जीर्ण जर सज्जित गेह, घिर गए हैं मेह प्रलय के प्रवर्सन प्रवर। इन गीतों में कवि का वैयक्तिक विषाद ही नहीं प्रतिध्वनित हुआ है, वरन सामाजिक अवसाद या युग जीवन की खिन्नता भी। सामाजिक अंधेरूढ़ियों से जूझने वाले कवि निराला ने कई गीतों में विद्रोह का स्वर भी सुनाया है, जिसमें शंकर का हलाहल पान करके भी कवि समाज को देने वाला है, दुख के सुख जियो पियो ज्वाला, शंकर के स्मर सर की हाला, शशि के लाचन हो सुंदर ठीक, अभिशाप समूत कल जीवन वर, वाणी कल्याणी अनिश्वर, शरणों की जीवन पल माला, शंकर के स्मरण के पीयो आला। निराश सभी ओर से निराश होकर
उनके संघर्षों से जूझने के बाद भक्ति की ओर उन्मुख हुए। भक्ति के नाम स्मरण और कीर्ति संबंध विशेषताओं से संबंधित कई गीत आराधना में मिलते हैं। आराधना के गीतों में 51, 52, 14 और 18 नंबर के गीत इनके साक्षी हैं। गीत गुंज विषय और शैली की दृष्टि से वहीं प्रतिष्ठित हैं जहाँ अर्चना और आराधना। ठीक, अतः स्पष्ट है कि निराला का काव्य अनेक मोड़ों से होता हुआ एक ऐसा सरल स्थल खोज लेता है जहाँ पर उसे सुख ही सुख मिलता है। निराला के व्यक्तित्व के विश्लेषण अथवा अध्ययन के क्रम में हम देखते हैं कि निराला में एक मिली जुली प्रेरणा अथवा लालसा, आत्म प्रतिष्ठा के आग्रह अथवा अहमान्यता की मिलती है, जिस पर पंत जी ने सबसे अधिक बल दिया है समाज से, क्योंकि उन्हें निरंतर विरोध और उपेक्षा भी मिली है। आर्थिक विपन्नता के कारण उचित प्रतिष्ठा भी नहीं मिल सकी, इसलिए उनमें अहंकार के भाव की प्रधानता हम पाते हैं। सम्मान कामना से युक्त निराला का यह अहम भाव उनके अंतर व्यक्तित्व की मूल प्रेरक शक्ति कहा जा सकता है, जिसका अनेक रूपों में प्रपुष्टन हम उनके जीवन और साहित्य में देखते हैं। परिमल में ही कवि कंठ की यह आत्मविश्वासपूर्ण ध्वनि हमें सुनाई देते हैं देती है कि अभी उसका अंत नहीं होगा, उसके ही अविकसित राग से दिगंत विकसित होगा। अनामिका में कवि ने यह सूचना स्पष्ट शब्दों में दी है कि वह कवि है, उससे ज्योतिष गड़गड़ा के चरणों पर निर्भर रहकर कुछ प्रकाश पाया है। हिंदी के सुमनों के प्रति उनकी विज्ञप्ति मात्र इतनी है कि मैं ही बसंत का अग्रदूत, ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत मैं रहा आज यदि पार्श्व छवि। निराला के इस वक्तव्य में उनके अहम भाव की विविध रूप प्रतिद्वंदिता, विद्रोह, पौरस और दुख सभी का समन्वित आभास में हमें मिल जाता है। वस्तु प्रतिभा की स्थिति परंतु प्रतिष्ठा की अनुपस्थिति का अंतर विरोध निराला के व्यक्तित्व के अहम और क्षुद्रता को गति प्रदान करने वाला प्रमुख तत्व है। काव्य साहित्य लेख में निराला के काव्य को मनुष्य मन की उत्तम कृति कहकर प्रारंभ में ही यह स्थान स्थापना की है। काव्य साहित्य लेख में निराला ने काव्य को मनुष्य मन की उत्तम कृति कहकर प्रारंभ में ही यह स्थापना की है कि काव्य में यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व पर खास तौर से जोर देता है तो उसे उसका अक्षम्य अहंकार न समझ मेरे विचार से उसकी विशाल व्याप्ति का साधन समझना निरुपद्रव होगा। कारण अहंकार को घटाकर मिटा देना जिस तरह पूरी व्याप्ति है, जैसा भक्त कवियों ने किया, उसी तरह खड़ा कर भूमा में परिणत कर देना भी पूरी व्याप्ति है, जैसा ज्ञानियों ने किया। ब्रह्म और अहम भाव की सह स्थिति अथवा समीपता संभवतः इसी दृष्टि से डॉक्टर राम रतन भटनाकर ने निराला में देखी है। श्री धनंजय वर्मा ने भी निराला के अहम को भौतिक और मनोवैज्ञानिक की शब्दावली का न मानकर उनकी आध्यात्मिकता का उल्लेख किया है। बंगाल में रहते हुए जो परिचय निराला ने बंगालियों की प्रांतीयता या श्रेष्ठता की भावना का प्राप्त किया था, उसने भी निराला की अहम भावना को प्रेरणा प्रदान की। रविंद्र के प्रति उनके अंदर जो प्रतिस्पर्धा अथवा प्रतिद्वंद्वता का भाव मिलता है, उसके मूल में यही भावना क्रियाशील है। प्रतिद्वंद्वता की इस भावना का एक सूत्र निराला की इस संन्यास की अवधारणा में भी मिलता है, जो उन्हें श्री रामकृष्ण और विवेकानंद के दर्शन ने दी थी, जिसकी अनुरूपता निराला की सामाजिक स्थिति ने भी थी। ठीक, तुलसी के श्रेष्ठता के प्रतिपादन और रविंद्र की आलोचना
का मुख्य आधार यही है। रविंद्र के पति निराला के प्रतिद्वंदिता की भावना का यह आधार उनके व्यक्तित्व में उपलब्ध होने वाले उस अंतर विरोध को जन्म देता है जो राज वैभव और संन्यास श्रृंगार तथा वैराग्य को लेकर उनके अंदर था। जीवन और साहित्य में हमें उनकी इस भावना का परिचय इस रूप में मिलता है कि हम उन्हें एक ओर यदि अपने बड़प्पन की घोषणा अथवा उसकी कामना करता हुआ पाते हैं तो दूसरी ओर उन्हें सन्यासियों के प्रति सतत औनत और छोटे साधारण उपेक्षितों के को देखकर अपना अपाव खो देते हैं। ठीक, देवी की कहानी में कवि ने अपने व्यक्तित्व के इन युगल सूत्रों का विशद विवेचन स्वतः ही प्रस्तुत किया है। कुल्ली भाट में भी अपना आत्मविश्लेषण करते हुए निराला ने अपने बड़प्पन के भावों की आलोचना की है। अपने क्रांतिकारिता को मो कहा सत्य से उनका यह प्रेम कटु सत्य घटने कहने का उनका यह सहज सा है कि उनको महान बताता है। निराला के अहम भाव का ही एक रूप उनमें पाई जाने वाली अपने जीवन के प्रति दया और करुणा की भावना में मिलता है। जहाँ उनका व्यक्तित्व इतना विनित और विनर्म है कि विनर्म हो जाता है, मानो उनका अस्तित्व ही नहीं। वेदांत के व्यवहारिक पक्ष की चरम परिणित निराला के इस रूप में हमें मिलता है। अपने प्रति पीड़ा और करुणा की भावना से इतर भी निराला के व्यक्तित्व में दुख अथवा अवसाद की भावना है जो उनकी अपनी विशेषता है। दुख की यह भावना निराला के व्यक्तित्व की संवेदनशीलता अथवा उनकी व्यक्तित्व अवधारणा है और अदम्य था, परंतु उनके भीतर संवेदनशीलता मुख्य थी। अनुसत करुणा का आत्मीय स्वर निराला के असाधारण रत्व को वेदना की भूमि पर ग्राह्य बनाता है। इसलिए गुप्त जी का मूल विचार है कि विद्रोही होते हुए भी निराला के आदर्श समन्वयवादी तुलसीदास थे। इसके मूल में निराला की शक्ति प्रिया की स्थिति है। वस्तुतः विरुद्ध धर्म आश्रय शक्ति पूजा भक्ति और भगवान कुल्ली भाट में निराला ने राम के सेवक महावीर हनुमान के भाव का जिस रूप में उल्लेख किया है उससे दीनता और शक्ति के उन विरोधी भावों की सहज स्थिति का स्पष्टीकरण होता है जिसके मूल में हम में निराला की वैश्यवाणी धार्मिक संस्कारों के साथ उनके विरोधी बंगाल की धर्म साधना के तांत्रिक विश्वास भी मिलते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम निराला का व्यक्तित्व उनके काव्य की मूल आंतरिक प्रेरणा भी कहा जा सकता है। निराला का व्यक्तित्व उनके काव्य की मूल आंतरिक प्रेरणा ही कहा जा सकता है। उनके व्यक्तित्व की अंतःप्रेरणा के तीन सूत्र में उनकी सम्मान की कामना, अवसाद की भावना और आनंद की कामना में प्राप्त होते हैं, जिनका प्रपुष्टन प्रतिस्पर्धा विद्रोह आत्मकरुणा सहृदयता संवेदनशीलता संघर्ष और तथा आत्मोल्लास सौंदर्य और श्रृंगार की भावनाओं के साथ ऊर्ध्वमुखी आध्यात्मिकता में होता है। तो प्यारे